अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोहम्मद मुश्तबा। तो कैसे हैं आप लोग? तो जुम्मा पढ़ के अभी अभी हम लोग आए, और मुझे आप लोगों को जो किस्सा बताना था ना, कि मतलब जो भाई आपकी भाई की सालगिरह का दिन का आगाज़ जो हुआ है ना, वो कैसे हुआ। तो मतलब कि सीन पूरा ऐसे हुआ कि 12 बजने वाले थे और मैं दूसरे कमरे में लेटा हुआ सो रहा था, तो पीछे से भाई मतलब दूसरे कमरे से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई, ये वो, मतलब कि बस एकदम मतलब अजीब माहौल हो गया 12 बजते ही। तो मैं जाके पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे? बोले यार क्या हो गया, आज इतना गजब का दिन है, इतना बुरा दिन है, क्या ये वो। अब मुझे होश ही नहीं, मतलब इतना कोई वो नहीं। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद लाइट चली गई, लो दूसरा गिफ्ट आ गया। फिर लाइट गई भी, बाहर से आवाज़ आ रही, कैसा मन उस दिन स्टार्ट हो गया, क्या हो गया ये वो। मतलब मैंने बोला लाना था तुझ पे, कैसी आवाज़ें दे रहा तू, मन उस दिन है ये है, हद हो गई है। तो फिर उसके बाद रात में हम देर से सोए, क्योंकि भाई आपके भाई के पास रात में 12 महीने के बाद जो डगाडग जो ऐसे मैसेज, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, आप ट्रीट दे देगा ट्रीट दे देगा, आपका भाई लगा हुआ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच थैंक यू। तो लेकिन आपके भाई के पास इतने मैसेज आए, पूरे के पूरे मतलब 6 मैसेजेस आए, और आपके भाई की फैमिली में 7 लोग हैं। तो ये जवाब देने में ही मतलब यार सारी रात मतलब आधी रात गुजर गई, इसीलिए सुबह में देर से उठे। और भाई सुबह में तो गजब हो गया, क्या बताऊँ आप लोगों को, भाई सुबह में मतलब गजब हो गया। आपका भाई मतलब इतनी इज्जत से उठाया जा रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, और मतलब गिफ्ट पे गिफ्ट और गिफ्ट, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा है भाई, गिफ्ट पे गिफ्ट और इतनी इज्जत, मतलब कि कहाँ आ गया मैं, मतलब मुझे लगा भाई मैं गलत जगह पे आ गया, नहीं इतनी इज्जत पे इज्जत मिल रही है। फिर उसके बाद पता चला कि ख्वाब ही था। तो मैं आज जुम्मा नहीं पढ़ना क्या? जल्दी उठो, टाइम निकल रहा है। मेरे गिफ्ट काम है। जो एक हफ्ते से नहीं आए तुम तो। पढ़ के अभी अभी आए हैं, और ये पूरा सीन आपको बताया। अब हम लोग यहाँ से मतलब जाएंगे एक स्टूडेंट है मेरा, उसको पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद कुछ सीन हो सकता है, लेकिन 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। असल दुख की बात भाई ये भी है कि आपकी सालगिरह और खाना भी आप लेने के लिए जा रहे हो, मतलब सब मतलब सारा काम ही मतलब आपको ही करना है, तो मतलब कि क्या, लेकिन फिर भी चलते हैं यार, वरना दुकानें बंद रहेंगी। लेट्स गो। गौर से देखें इस शख्स को, वो शख्स है जो सारा खाना अकेले खा जाता है, और आज भी ये शख्स जिसने अपना चश्मा उतार के वो भी खा गया है, ये शख्स इस केक के पीछे। इज्जत थी वो कल ख्वाब की थी, बस अब वापस दूध लिया नहीं लिया।